नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जोधपुरिया गांव के सरपंच पद के उम्मीदवार वेद प्रकाश थोरी ने गांव के ग्रामीणों से आशीर्वाद लेकर अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। उन्होंने 36 बिरादरी के लोगों से कहा कि क्षेत्र में विकास करवाना ही उनकी प्राथमिकता रहेगी। सभी ने मिलकर डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाया। डोर टू डोर में ऐसी भीड़ देखने को मिली कि जैसे कि बड़ी कोई पार्टी की रैली हो। भीड़ ने पहले ही उनका हौसला बढ़ा दिया। वेद प्रकाश थोरी ने कहा कि जोधपुरिया गांव के लोगों ने सदा अपने बेटे भाई पर अटूट विश्वास किया है। वे जीवन के अंतिम सांस तक क्षेत्र के लोगों का कर्ज नहीं उतार सकते। वेद प्रकाश थोरी ने कहा कि लोकतंत्र में असली ताकत मतदाता है। अब क्षेत्र के मतदाता जागरूक हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अब क्षेत्र में विकास और रोजगार की नई इबारत लिखेंगे और प्रत्येक वर्ग के सांझ कार्य करवाए जाएंगे। राजनीति समाज सेवा का एक बेहतर माध्यम है। इसी सोच से उन्होंने राजनीति के मैदान में उतरने का फैसला लिया। वार्ड में पूरा विकास, बुजुर्गों का सम्मान एवं युवाओं का उत्थान ही उनका पहला मकसद है। वेद प्रकाश ने कहा कि गांव का पूरा जोरदार समर्थन मिल रहा है। जीत हमारी निश्चित है। लोगों ने इस बार मन बना लिया है कि वेद प्रकाश थोरी को सरपंच बनाकर गांव के रुके विकास कार्य को पूरा करवा सकें और गांव के विकास कार्य तेजी से करवा के अपने गाँव को स्वच्छ एवं सुंदर बना सकें। साथ ही उन्होंने कहा कि वोट तो आते जाते रहेंगे, सबसे पहले भाईचारा जरूरी है। गांव के लोग भाईचारा बना के रखें, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करें। सिरसा से हमारे संवाददाता दिनेश घनघस की रिपोर्ट। मेरा नाम जी वेद प्रकाश थोरी है, गांव जोधपुरिया है, सरपंच पद का उम्मीदवार हूं। चुनाव चिन्ह मेरा साइकिल का निशान है। सभी ग्रामवासियों से अपील है कि साइकिल का बटन दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा दबाएंगे और भाई को विजय बनाएं। मुद्दा तो यही है जी, विकास जो गाँव में अधूरे काम पड़े हैं बहुत से हैं, जो पानी का मुद्दा है या कोई और भी है, जैसे गलियों का मुद्दा है, और भी शिक्षा के मामले में जैसे लाइब्रेरी है, जिम है, जो जो मुद्दे पेंडिंग पड़े हैं उन पर ना बहुत तेजी से गौर की जाएगी। लोगों का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? लोगों का तो आप देख रही हो भाई साहब, एक तरफा जीत है, कोई मुकाबला ही नहीं है। मैं सर्वसम्मति से ही 2 साल पहले मेरे को कैंडिडेट घोषित किया गया था। कुछ लोगों के सिस्टम से या उससे पसंद नहीं आया, उसके कारण दिक्कत हुई है लोगों को। सर्वसम्मति से ही बहुमत है, आपके सामने है सभी का, भाई का सभी को प्रेम प्यार मिल रहा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता मैं आपको, सामने दिख रहा है सब कुछ। 36 बिरादरी का भाईचारा मेरे साथ है। ऐसी कोई गांव में बिरादरी नहीं है, ऐसा कोई आदमी नहीं है जो मेरे साथ नहीं है। दिल से साथ है, चाहे वो घर बैठा है, चाहे वो मेरे साथ है, दिल से मेरे को आशीर्वाद है सभी का। विश्वास तो आपको दिख रहा है भाई साहब, 100% नहीं, 200% विश्वास है। कोई मुकाबला नहीं है किसी तरह का। धन्यवाद सभी ग्रामवासियों का। ये तो सबके सामने है जी, सब भाइयों का, खास करके गरीब वर्ग का बड़ा समर्थन है। 100% 200% क्या है जी, वेद प्रकाश थोरी की जीत है जो 1,00,000% पक्की है। सबसे पहला मुद्दा है जी, गांव के बाहर बोर्ड पे लिख देते हैं, सरकार का एक बहुत बड़ा नारा है, इसको गंभीर रूप से समझना चाहिए। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय स्वच्छता, इसको धरातल पर दिखाएंगे। दूसरा मुद्दा जी, एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति की दशा और समाज की दिशा बदलता है, उसकी तरफ बड़ा सहयोग, बड़ा ध्यान दिया जाएगा उस बात की तरफ है कि स्कूल में स्टाफ की कमी ना हो, लाइब्रेरी में किसी की कमी ना हो, गरीब बच्चा जो पढ़ सके। ये मुद्दे हैं जी, सर्वसम्मति से ही था ये सरपंच तो, और कुछ लोगों की वजह से ये चुनाव करवाने पड़ रहे हैं। सर्वसम्मति से हमारे 7-8 वार्डों के जो मेंबर है वो सर्वसम्मति से बने हैं, लेकिन कुछ गांव में ऐसे लोग होते हैं जो सर्वसम्मति नहीं चाहते, अपना वोट बैंक नहीं खोना चाहते, 200-400 किसी का बचा हुआ है तो। बाकी आप सबके सामने, बाकी रही ये बात भाईचारे की, सबसे बड़ी बात है, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी भाईचारे को दी जाएगी। गाँव के अंदर कोई विवादित मुद्दे है, सामाजिक मुद्दे है, कोई बहन बेटी का मुद्दा है, वो प्रशासन का टाइम खराब न करके, थाने तहसील का खराब न करके गांव स्तर पर सुलझाया जाएगा, ये प्रायोरिटी रहेगी हमारी। माहौल बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया माहौल है। 36 बिरादरी का सहयोग मिल रहा है, हर लेडीज से, हर बच्चे से, हर गांव के एक सदस्य के जुबान पे वेदपाल थोरी, वेदपाल थोरी आ रहा है। माहौल बढ़िया है, अभी तो जीतने की उम्मीद है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।